ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर हर तरफ जश्न का माहौल रहा। देवास में भी विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों ने एकमत होकर जश्न मनाया। कहीं आतिशबाजी की तो कहीं ढोल ढमाकों के साथ भजन कीर्तन हुए। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ तो मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। मंदिरों को सजाया गया और महाआरती के आयोजन किए गए। देखिए इन्होंने किस तरह से उत्सव मनाते हुए अयोध्यामय बना दिया। आज हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज 5 अगस्त 550 वर्षों के पश्चात आज अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, अभी हम अयोध्या तो नहीं जा सकते, पर हमने हमारे बजरंगपुरा मोहल्ला को पूरा अयोध्या के समान सजा दिया है। हर घर में आज यहाँ दीपावली की तरह अपने अपने घरों के बाहर दीपक लगाए जाएंगे और ये महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम भरत यादव, हिंदू वाली। आज अयोध्या का हमारा बहुत बड़ा दिन है। भारत का, भारत वासियों का, हमारे कारसेवकों का, हमारे क्लब सूर्य विधान हनुमान जी का, भजनपुरा क्लब, इन सभी ने आज ये कार्यक्रम रखा था कि भूमि पूजन के दिन हम सब कारसेवकों का सम्मान करेंगे। हम यह कार्यक्रम रखेंगे और हमारे कारसेवकों ने जिन्होंने अपने अयोध्या के संबंध में जिन्होंने जिनकी जानें कुर्बान करी है उनको भी हम समर्पित करते हैं आज का दिन, क्योंकि आज हमारे उनके श्रद्धांजलि का दिन है। आज मंदिर का पूजन हुआ है तो उस पूजन की हमारी श्रद्धांजलि है। जैन बंधुओं को जो अयोध्या के अंदर मारे गए थे, जो कासेव हैं बहुत सारे थे, अगले कमरे में एक भाई को मारा गया, दूसरे भाई को दूसरे कमरे में मारा गया और उनको श्रद्धांजलि आज दी हमने और उनको मारा गया अगले कासेवों को। ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार ऐप, जहां प्रतिदिन मिलती है ताज़ा खबरें। तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार ऐप। अभी राष्ट्रीय नवाचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करना ना भूलें।